Okay, let's cut across to Parliament in Lok Sabha. Rahul Gandhi speaking, I believe, on the land bill. जब थोड़ा पता है राश नीचे गिरी फिर आपने दूसरे खिलाड़ी मारी आपने कहा कि फुल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा हमने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए पता लगना चाहिए किसको नुकसान हुआ किसको असर हुई जमीन के ले जाने का आपने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं धन्यवाद ये फिर आपने धन्यवाद इन्होंने कहा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है किसान का नुकसान मजदूर का नुकसान सब फर्क नहीं पड़ता हमने कहा था 6 महीने में जांच हो जानी चाहिए जांच की कोई जरूरत नहीं इनके दिल में और फिर तीसरी खिलाड़ी मारी सबसे जरूरी हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर अच्छा बोलने दीजिए आप बोलना चाहते हैं आगे दीजिए बोलिए बोलिए खड़े से बोलिए आप बोलिए 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 अरे बोलिए और फिर से बोलना चाहते फिर से मान लीजिए बोलिए बोलिए सर तीसरी बात हमने कहा कि अगर किसान की मजदूर की जमीन जाती तो अगर उस जमीन पर 5 साल में प्रोजेक्ट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो जमीन किसान को वापस दी जाएगी इनके नए दिन में कुछ भी रद्द कर दिया गया है अब क्या होगा चाहे प्रोजेक्ट बने या ना बने 10 साल लगे 20 साल लगे 50 साल लगे जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी आप देखिए सरकार के बिल पास करने में बहुत जल्दी है तो हमने आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी ने आरटीआई लिखा और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि बताइए जमीन के कारण कितने प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं हमने सोचा था शायद 80% होगा 70% होगा मगर नहीं आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा 100 में से 8 प्रोजेक्ट जमीन के कारण रुके हुए हैं हिन्दुस्तान की सरकार के पास जमीन है स्टेट की सरकार के पास जमीन है एसीजेड में 40% जमीन खाली पड़ी हुई है मगर आप किसान की जमीन चाहते हो आप किसान की जमीन छीनना चाहते हो क्यों जमीन की तो कोई कमी नहीं है सरकार के पास है तो क्यों खरीदना चाहते हो और कहाँ जमीन लेना चाहते हो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पीकर सर जमीन बुंदेलखंड में अफार नहीं होती राजस्थान के रेगिस्तान में अफार नहीं होती है शहरों के पास जिंदगी नोएडा जिलों के पास होती है क्यों क्योंकि जमीन का दाम तेजी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान के किसानों आपके पैरों के नीचे सोना है सोना और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं जो जमीन आज लाखों में जाती है
جس کو آپ اوپر میں دیکھتے ہو وہ زمین آج سے 5-10 سال بعد کروڑوں میں جائے گی، اس کو آپ اسکوائر فٹ کے دیکھو گے. 10 سال میں 15 سال میں 20 سال میں. All right, that's a stated opposition put up by the Congress leader to the land bill, but to the market is not liking any of it. The market is